अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और अजय देवगन समेत अन्य सितारों से भरपूर फिल्म टोटल धमाल 22 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म में दिग्गज कलाकार 50 करोड़ रुपए का बैग खोजते हुए नजर आएंगे। पैसों का लालच इन सितारों को कई मुश्किलों में डालता है। फिल्म में राज यह है कि आखिर किस सितारे की टीम उस बैग को पाने में कामयाब हो पाती है। कॉमेडी और रोमांस से भरपूर फिल्म टोटल धमाल शुरुआत में धीमी रफ्तार से चलती है। फिल्म की कहानी में रोमांचक मोड़ उस वक्त आता है जब एक शख्स 10-12 लोगों के सामने 50 करोड़ रुपए के राज के बारे में बताता है। इसके बाद यह लोग फैसला करते हैं कि जो जनकपुरी पहले पहुंचेगा 50 करोड़ रुपए उसके हो जाएंगे। चार टीम में बटे लोगों के बीच जबरदस्त कॉम्पिटिशन होता है कि आखिर जनकपुर पहले कौन पहुंचेगा। जनकपुर पहुंचकर पैसा लूटने के लालच में यह सभी अपनी जिंदगी को ही मुसीबत में डाल देते हैं। मुश्किल घड़ी में किस तरह से कॉमेडी का तड़का लगता है यह टोटल धमाल में बखूबी दिखाया गया है। फिल्म में कई ऐसे मौके आते हैं जब आप हंसने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फिल्म के गाने भी काफी हाई वॉल्यूम से भरपूर है जो आपको थिरकने पर मजबूर कर देगा। टोटल धमाल फिल्म धमाल की तीसरी सीरीज है। फिल्म में रितेश देशमुख, अरशद वारसी, संजय मिश्रा का रोल पहले जैसा ही है। फिल्म में माधुरी दीक्षित और ईशा गुप्ता की नई एंट्री हुई है। इससे पहले के पार्ट धमाल और धमाल 2 बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुए थे।